नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय जेके बोस की एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने नजर आ रही है। जिस तरह से आज 12वीं का फिजिकल एजुकेशन का जो है एग्जाम था, लेकिन 12वीं के पेपर में 11वीं का सिलेबस आया था, यानी कि जब बच्चे एग्जाम देने के लिए अपने अपने सेंटर्स में पहुंचे और जब एग्जाम शीट उन्हें मिल गई, आंसर जब एग्जाम शीट को उन्होंने ओपन किया तो उसमें जो सिलेबस था वो 11वीं का सिलेबस था। ये एक बड़ी लापरवाही जेके बोस के द्वारा जो है सामने आई। लेकिन खैर, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि बाद में बच्चों को जो है ये कहा गया कि जितना भी आपको एग्जाम आता है वो आप कर दीजिए, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि ये 11वीं का जो है पेपर है तो हमने तैयारी 12वीं की है। लेकिन उसके बाद थोड़ी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद ये फैसला लिया गया कि आज जो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था 12वीं का, उसे कैंसिल कर दिया गया। और जिस तरह से यह लापरवाही आज देखने को नजर आई है, साफ तौर पर दिख रहा है कि बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता हुआ भी नजर आया है। 12वीं के एग्जाम की तैयारियां करते हुए जहां बोर्ड की एग्जाम की तैयारियां हो रही होती है, और ये टाइम ऐसा होता है जहां मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, और ऐसे में बच्चों को गलत पेपर मिल जाने के कारण उनके ऊपर उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी ये तो हम सब जानते ही है। लेकिन इस समय जेके बोस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 12वीं के एग्जाम होते हुए उन्हें जो क्वेश्चन शीट मिली है वो उसमें 11वीं का सिलेबस था, और उन्हें फोर्स भी किया गया कि जितना आपको एग्जाम आता है या जितना क्वेश्चन पेपर आपको आता है उतना आप दे दीजिए, उसके बाद जो है हम देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन बच्चों ने उसको लेकर इंकार कर दिया। जो सूत्रों से हमें खबर आ रही है कि बच्चों ने उसको लेकर जो है इंकार कर दिया, और फिर उसके बाद मीटिंग करने के बाद जो है ये सामने आया कि किस तरह जो एग्जाम है उसे कैंसिल कर दिया गया, और अब जो है अगली नोटिफिकेशन जो है कब जारी होगी, ये फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम जो 12वीं का एग्जाम था उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगी, कब ये एग्जाम दोबारा लिया जाएगा, उसके बारे में खैर अभी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जेके बोस की लापरवाही और जेके बोस के द्वारा जो ये की गई कारनामा है वो सामने आया है। 12वीं का जो एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन का, उसमें 11वीं का सिलेबस आया है। बच्चों की इस समय क्या कुछ मनोस्थिति रही होगी और क्या कुछ इस समय बच्चों के जो एग्जाम का पीयर प्रेशर है उस पर क्या कुछ असर पड़ा होगा ये तो हम सब जानती हैं। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। ये थी इस समय की बड़ी अपडेट। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।